शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बर्थडे पे आए। थैंक्स एवरीवन। हैप्पी बर्थडे भैया, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप चुप चुप चुप, और आपको ना मेरी भी उम्र लग जाए। थैंक यू सो मच माय क्यूटी पाई सिस्टर। हैव इट ऋत्विक, पहले मुझे, मैं बड़ा हूं ना, एक्चुअली यू डिजर्व। अच्छा अब इनके पास तो मेरा नंबर है ना। भैया के बाद भाभी का नंबर है। माया भाभी का है? भाभी का है? किधर चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो उधर ही खड़ी थी। किधर है माया? तुम्हें किसके लिए रखा गया है? ध्यान नहीं रख सकते थे उसका? मैम वो अभी यहीं थी, उनको भूख लगी थी तो वो कुछ खाने के लिए काउंटर की तरफ गई थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई अचानक से। अगर मेरी बीवी कहीं भी चली गई और उसे कुछ भी हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे भैया आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? भाभी यहीं गई होंगी, आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ। माया होश में आओ, किसने मार डाला और किसको? अनुष्का ने ऋत्विक को मार डाला, उसने खून कर दिया उसका। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ तुम? हाँ भाभी मैं तो जिंदा हूँ। इसकी लाश तो वहाँ पड़ी हुई है। मैं सच बोलूँ लगता है इसे झटका लगा है, इसके दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है। अर्णव प्लीज इसका दिमाग की इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ। अर्णव मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुष्का तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुमने ऋत्विक का खून किया है, तुमने इसी गन से उसको मारा है, तुमने खून किया है ऋत्विक का। माया कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये मेरा कोई वहम नहीं है, ऋत्विक की लाश पड़ी हुई, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ मेरे साथ, उसकी लाश वहीं पड़ी है, वहाँ पर है, मेरा विश्वास कर, वो वही पर है। लाश तो यही थी। आज के दिन भी ये नाटक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आखिरकार तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत उछाल कर रखी थी, यही चाहती थी ना तुम? माँ रहने दो ना, आपको तो पता ही है भाभी की दिमागी हालत। तुम मर चुके हो, मैंने देखा था तुम्हारी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। तो ये क्या आपके सामने आत्मा खड़ी है भाभी? तुम्हारा चेहरा पूरा खून से लथपथ था, तुम्हें अनुष्का ने गोली मारी है, मैंने देखा था। मैंने गोली चलाई है? हाँ तुमने गोली मारी है ऋत्विक को, मैंने खुद से देखा, और फिर तुम कॉरिडोर में भाग गई, मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारी ये गन पड़ी हुई थी, ये गन मैंने उठाई है। कम ऑन माया, मैं लोगों के साथ बाहर थी, अभी तुमने देखा ना, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? माया जी आप आराम कीजिए, क्या कुछ भी नहीं हुआ है। भैया आप भाभी को घर लेके जाओ। और भैया भाभी के हाथ से गन ले लो, कहीं किसी को गोली ना मारे। मैंने कोई गोली नहीं मारी है, ये गोली अनुष्का ने मारी है, उसने खून किया है। तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो। मैं गन दो। अनुष्का ने खून गन दो। बस बहुत हो गया भैया, अब चलो मैंने बोला। Thank you.
अनुष्का। तूने मुझे खून करते हुए देखा था ना, अब तू भी नहीं बचेगी, तुझे भी मरना होगा। नहीं! क्या हुआ माई जी? मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती। क्या हुआ माया? क्या हुआ? क्या हुआ माया? पता नहीं सर, ये सोते सोते अचानक से चौंक गई और कह रही है कि ये कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है माया? वो खड़ी अनुष्का, वो मुझे मार डालेगी। कोई भी तो नहीं है बाहर? वो भी यही खड़ी थी, उनसे मुझे मारने की धमकी भी थी। आना, तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो चुका है, अब इसे घर में रखना ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल पहुंचा। कैसी बात कर रही हैं मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक हो जाएगी वो। जब इतने दिन तक ठीक नहीं हुई तो अब तक खाक ठीक हो जाएगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। वो मार डालेगी मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। माया, ये वहम निकाल दो अपने दिमाग से प्लीज, और अभी सो जाओ। रिया, माया का ध्यान रखना। माया, माया, भाभी, घबरा मत, अब तुम यहां पर आ गई हो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बैठो, बैठो। वो मुझे मार डालेगी, वो मार देगी मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? माया। माया, अच्छा माया बताओ कौन मारना चाहता है तुम्हें? वो मेरे घर की खिड़की के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में गन भी थी, वो मुझे मार देगी। निखिल, जरा पानी लेकर आओ। मार देगी वो। उसके हाथ में गन थी और उसने तुम्हें मारा नहीं? मैं भाग के यहाँ पर आ गई। अच्छा माया बताओ कौन है वो जिसने तुम पर गन तान के रखी थी? वो अनुष्का, एक खून कर चुकी है वो और अब मुझे मारना चाहती है। अनुष्का? किसका किसका खून किया है अनुष्का ने? आपके बिजनेस पार्टनर ऋत्विक का खून कर चुकी। तुमने देखा खून होते हुए तुम्हारे सामने हुआ? हाँ। और उसके बाद उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ। सर कुछ गड़बड़ है। माया शांत हो जाओ और जरा डिटेल में बताओ क्या क्या देखा तुमने? मैं ऋत्विक की बर्थडे पार्टी में गई थी और एक रिसॉर्ट में। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे नींद सी आ रही थी इसलिए मैं कमरे में सो गई। जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी मैं और डर गई, मेरा सर चकरा रहा था, कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं और डर गई क्योंकि गोली की आवाज के साथ साथ किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज भी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली और देखने की कोशिश की मैं और भी डर गई। फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहां पर क्या कर रही हूं। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची ऋत्विक की लाश पड़ी थी। तब तक मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था इसलिए मैं ऋत्विक को उसके कपड़ों से पहचान गई क्योंकि उसके चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। इसलिए मैं मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर निकली। ये तो अनुष्का, अनुष्का रुको, अनुष्का
धड़कन। इसका मतलब अनुष्का ने रित्विक का खून किया। अनुष्का रुको। मैं थोड़ी दूर तक उसके पीछे भागी मगर वो अचानक गायब हो गई। रित्विक का खून होने के बाद तुमने देखा वो जिंदा था? हाँ सर। एक आदमी दो दो जगह पर, एक रित्विक वो जिसे तुमने मरा हुआ देखा तुम्हारे ही कमरे में, और दूसरा रित्विक वो पार्टी में जिंदा। हाँ सर, मैंने रित्विक को मरते हुए देखा। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है सर। माया, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लगती है, कोई दवाई वगैरह ले रही हो क्या? दवाई तो मैं रोज लेती हूँ। कैसी दवाई है? पता नहीं, पर रोज लेनी पड़ती है। माया, हम तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे। तुमने कुछ सोचा माया? तुमने एक जिंदा इंसान की मौत का बवंडर बना दिया। देखो अर्णव, माया को डांटने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पर, खून हुआ है वहां पर, समझे? सर, अगर खून हुआ होता तो क्या मैं जिंदा होता? सर माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये देखिए, मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी। सर मैं माया जी को अंदर लेकर जाऊं? इन सब बातों से इनके दिमाग को बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, लेकर जाओ। काजल, ध्यान रखना इस बात। तो बताओ, माया कमरे में गई थी या नहीं? सर गई होगी, हमें क्या पता। वैसे भी अर्णव उसे खुद ही ढूंढ रहा था। तुम लोग भी तो ढूंढ रहे थे ना? नहीं, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा तो चल रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कहेगी और ऐसे इल्जाम लगाएगी हम पर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था तुम लोगों में? वो ऋत्विक ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, आज तक लौटा नहीं पाया, तो इसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो रहा था। तुम भी तो गई थी ना माया के घर उसे मारने के लिए? नहीं सर, वो झूठ बोल रही है, मैं तो अपनी स्टूडियो में थी। कोई सबूत है? हाँ सर, गवाह भी है और सबूत भी। आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, सबूत भी देख लेंगे। ये बताओ, ये गन माया के पास आई कैसे? बोलती क्यों बंद है तुम तीनों की? कि माया सच तो नहीं बोल रही? खून हुआ है वहां पे, ऋत्विक का नहीं तो किसी और का। सर हम मानते हैं कि माया के हाथ में गन थी सर, लेकिन अगर उस कमरे में किसी का खून हुआ होता तो कम से कम वहां पे लाश तो मिलती, या फिर कमरे में कहीं ना कहीं खून के धब्बे तो मिलते सर। ठीक है, इस बार हम तीनों को छोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़े तो फिर से बुला लेंगे। जी सर। जा सकते हो तुम लोग। सर कुछ ना कुछ तो हुआ है उस कमरे में। हाँ अभिजीत, कुछ तो हुआ है। लगता है इस माया की बातों में सच्चाई है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये गन माया के पास आई कहां से। सर माया ने बताया कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। इस गन पे साइलेंसर लगा हुआ है, तो उसने आवाज सुनी कैसे? सर लगता है दो दो बार गोली चली, एक बार साइलेंसर के साथ और दूसरी गोली चली है बिना साइलेंसर के। मान लिया सचिन, लेकिन पहली गोली किस गन से चली? साइलेंसर वाली गन से या बिना साइलेंसर वाली गन से? वहां जो कुछ भी हुआ है उस होटल के कमरे से ही पता चल जाएगा। ये देखो, गोली यहां पे घुसी है। अंधाधुंध गोलियां चली है सचिन। सर लेकिन माया कह रही थी कि उसने एक ही गोली की आवाज सुनी है, बाकी गोलियों की आवाज उसने सुनी क्यों नहीं? वही तो,
और तो इतना बड़ा रिसोर्ट है, सैकड़ों लोग यहाँ पर काम करते हैं, फिर भी किसी को पता कैसे नहीं चला कि यहाँ पर खून हुआ है, इतनी गोलियां चली है। क्यों सर, ना तो कोई कमरे में लाश मिली और ना ही कोई खून का निशान। तो क्या वो झूठ बोल रही है, है? उसने अपनी आंखों से देखा ना खून होते हुए है? सर वो और सनकी लगती है, पूरे होटल में गन लेकर घूम रही थी हाथ में, सब लोग डरे हुए थे उससे। बाहर जाके खड़े हो जाओ। सर ये माया तो ये भी कह रही थी कि लाश दरवाजे के पास यहाँ अंदर पड़ी थी घर में, और दरवाजा बंद था, तो फिर खूनी ने गोली चलाई कहाँ से होगी? सचिन माया ने ये भी कहा कि वो दरवाजा खोल कर बाहर गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी इस तरफ दरवाजे के बाहर खड़ा था। अगर वो दरवाजे के बाहर खड़ा था तो फिर उसने गोलियां कैसे चलाई? ये देखिए सर, अजीब सा कांच का टुकड़ा है, पेट के नीचे मिला। वाकई अजीब सा टुकड़ा है ये, ना किसी बल्ब या ट्यूबलाइट का है, ना फिर किसी फोटो फ्रेम का। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे दो। ये तो कॉन्वेक्स लेंस का टुकड़ा है, कॉन्वेक्स लेंस का टुकड़ा। कॉन्वेक्स लेंस तो पीपोल में लगाया जाता है। मगर सर दरवाजे को देखकर तो नहीं लगता है कि इसका पीपोल बदला गया है। हाँ अजल, ना सिर्फ पीपोल बदला गया है बल्कि ये दरवाजा भी बदला गया। दरवाजा बदल दिया क्या? हाँ दरवाजा भी बदला है। इधर आओ। कमरे का दरवाजा किसने बदला? सर रिसोर्ट में रिनोवेशन काम चल रहा है, शायद किसी ने बदल दिया हो। काम चल रहा है, शायद किसी ने बदल दिया हो। तो फिर वो बड़ा पुराना दरवाजा। सचिन काम करो, तुम और काजल जाओ और देखो कहीं पर ये दरवाजा मिलता है क्या। सर सर एक बात तो समझ में आ गई, गोली पीपोल से चली है, दरवाजा भी अंदर से बंद था, फिर लाश कैसे गायब हो गई सर? गोलियां पीपोल से चली है और दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर लाश को यहां से गायब कैसे किया गया? निखिल, खूनी अगर लाश को ले गया होगा तो यहीं से इसी खिड़की के रास्ते से ही ले गया होगा, क्योंकि अगर मेन दरवाजे से लेके जाता तो कोई ना कोई उसे देख लेता। हाँ सर, अगर घायल भी हुआ होगा तो भी यहीं से गया होगा सर। सिक्योरिटी, अरे सुनो। सलाम साहब। यहाँ पर कल रात को जो बर्थडे पार्टी थी जी, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? तुम दोनों थे? हाँ सर, हम ही दोनों थे। तो क्या कल रात तुमने किसी घायल आदमी को यहाँ से भाग कर जाते हुए देखा, या किसी आदमी को कोई भारी सामान लेकर जाते हुए? मेरा मतलब है कोई लाश वगैरह? नहीं सर, हमने नहीं देखा। ऐसे मुंह उठा के मत बताओ, बिना सोचे बिना याद किए, ठीक से बताओ, याद करो, बताओ देखा तुमने? सर मुझे पक्का याद है, पार्टी खत्म होने तक यहाँ से कोई नहीं गया था। किसी गाड़ी को जाते हुए देखा? हाँ सर, गाड़ी गई थी यहाँ से। गई थी? कौन सी गाड़ी? सर वो जो दो टेम्पो है ना, उनमें से एक टेम्पो गया था। कौन सी गाड़ी है? सर ये वाली। ये हमेशा आती रहती है? हाँ सर, रिसोर्ट से टाउन और टाउन से रिसोर्ट आना जाना लगा रहता है। चाबी दो। सर चाबी तो ड्राइवर के पास है। तो ड्राइवर को बुलाओ जल्दी। ड्राइवर तो सुबह से गायब है सर। ड्राइवर सुबह से गायब है, मतलब बिना पूछे बिना बताए ऐसे ही गायब हो गया? निकल, खोल दो गाड़ी का दरवाजा। गाड़ी तो एकदम साफ कर दी है। सर ड्राइवर ने बिना पूछे गाड़ी धुलवा डाली थी, उसकी वजह से उसे मैनेजमेंट से बहुत डांट पड़ी थी। बिना पूछे उसने गाड़ी धुलवा दी? जी। अगर कोई खून या उंगलियों के निशान हो तो वो भी धुल गए होंगे। कीचड़ जैसी में ये कहां से आ गई?
इसका एक ही मतलब है, ये गाड़ी किसी ऐसे जगह पे गई थी जहां पर इस तरह की मिट्टी है। निखिल सर, ये मिट्टी उठाओ। सर, लाश इसी गाड़ी में ले जाई गई थी, कहां पर ये तो ये मिट्टी ही बताएगी। भाई साहब अगर सुनिए जी। अच्छा ये बताइए कि ये इस होटल के जो पुराने फर्नीचर हैं वो सब कहां रखे जाते हैं? इस होटल के पुराने फर्नीचर यहां पे रखे जाते हैं। काजल, लगता है वो दरवाजा इसके पीछे ही। मन कर गया ये देखो। लगता है काजल ये दरवाजा वही है। हाँ इसका तो पीपल भी टूटा हुआ है। इसका मतलब काजल गोली यहीं से चलाई गई है। दया, ये जो तीन गोलियां हमें रिसोर्ट के कमरे में से मिली थी वो उसी गन से चली है जो माया के पास थी। फोरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहता है। मतलब सर ये तीनों गोलियां साइलेंसर वाली गन से चली है, इसीलिए माया को गोली चलने की आवाज नहीं आई। बस सर उस गोली का क्या हुआ जिसकी आवाज माया ने सुनी थी? या वाकई अगर खून हुआ है जिसे माया ने देखा है तो गोली अभी भी उसी लाश में ही होनी चाहिए। मगर सर लाश कहां पर है? खूनी को वहां से लाश ले जाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ ये बात तो है, बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया है दया, वरना इस अनुष्का और ऋत्विक की जैसा ही ड्रेस कोई क्यों पहनता? हाँ सर, और ये सब इसलिए किया गया ताकि माया को किसी तरह से ये खून होते हुए दिख जाए और उसका दिमाग खराब हो। मगर सर कोई माया को पागल क्यों बनाना चाहेगा? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, कोई ना कोई तो वजह है। एक बात और सर, अगर ये सब एक प्लान था तो हो सकता है जो आदमी मारा गया है उसे मालूम ना हो कि उसकी मौत होने वाली है। वो तो बेचारा कोई छोटा मोटा एक्टर होगा जो इसमें फंस गया। हाँ बेचारा, इस खूनी ने उसे झूठ बोलकर पटा लिया होगा सर। उसने बताया होगा कि कोई नाटक करना है जिसमें ऋत्विक के कपड़े पहनने हैं और फिर सचमुच गोली मार दी उसे। मगर सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, वो आदमी सचमुच मर चुका है या फिर सिर्फ घायल हुआ है? और एक बात, वो लड़की जिसने अनुष्का जैसे ही ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस आई कहां से? अब अनुष्का दो दो ड्रेस तो नहीं बनाएगी बिल्कुल वैसी की वैसी। इस अनुष्का से पता लगाना चाहिए कि उसने वो ड्रेस कहां पर बनवाई थी, वहीं से पता चलेगा कि कौन है ये दूसरी लड़की जिसने वैसी ही ड्रेस बनवाई थी। वही खूनी है दया, वही खूनी है। बस दरवाजे को तो एकदम साफ सूफ करके रख दिया गया, बहुत ही होशियार खूनी, फिंगरप्रिंट्स भी एकदम साफ कर दिए। संघ की गोली तो पीपोल में से ही चली है? हाँ गोली पीपोल से ही मारी गई। और कोई खून वगैरह मिला दरवाजे पर? नहीं, दरवाजे पर कोई खून नहीं था। किसी ने उसे भी साफ कर दिया? बड़ी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है, खून ही साफ कर दिया। अरे फ्रेडी, दरवाजे पर खून होता तो साफ करता ना, खून था ही नहीं दरवाजे पर। अब मेरा दिमाग चकराने लगेगा सर, गोली चली खून हुआ मगर खून नहीं निकला। अरे यार गोली चलेगी तो खून निकलेगा। अरे तो सर फिर खून गया तो गया कहां? और अगर सर किसी को गोली लगेगी तो थोड़ा बहुत खून तो उड़ेगा ही ना? थोड़ा बहुत खून तो जरूर उड़ेगा, लेकिन इस दरवाजे पर जरा भी खून नहीं था। खून होता तो केमिकल डालते दिख जाता ना। तो फिर अभी ये कहना मुश्किल है कि वाकई में किसी का खून हुआ है या नहीं? बिल्कुल दया, वाकई मुश्किल। और हाँ बॉस, ये जो तीन गोलियां मिले ना आपको रिजॉर्ट के कमरे में से, इन तीनों गोलियों पर भी जरा भी खून नहीं था।
चलो मान लिया कि गोली पीपोल में से ही चली थी, फिर जो भी कोई आदमी पीपोल की उस तरफ से बाहर देख रहा था, गोली चलते ही उसके खोपड़ी के तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाते। सर ये भी तो हो सकता है कि खोपड़ी के छितड़े ना उड़े हो और गोली अभी भी उसकी खोपड़ी में हो जिसे गोली लगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर जो मिट्टी आप लोगों को टेम्पो के टायर में से मिली है वो समुद्र के किनारे की है। उसमें से मुझे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और सी शेल्स मिले जो अक्सर बीचेस पे पाए जाते हैं। इसका एक ही मतलब है दया, खूनी ने लाश को टेम्पो में डाला और समुद्र के किनारे ले गया। रिसोर्ट के आसपास जो भी बीच है लाश वहीं पे मिलेगी। सचिन, इस रिसोर्ट के आसपास यही एक क्रीक है और वो गाड़ी यहीं पर आई थी, यहीं पर। ये देखो, ये है ना, ये देखो, यहीं पर ये सी शेल्स के बारीक बारीक टुकड़े और पत्थर टायर में घुसे थे उस गाड़ी के। मगर ये खाड़ी तो सर रिसोर्ट और टाउन के बीच में आती नहीं है, ये तो रूट ही बिल्कुल अलग है सर। लेकिन रूट ही बिल्कुल अलग है, फिर भी वो गाड़ी यहीं पर आई थी, यहीं पर आई थी, और वो भी लाश फेंकने के लिए। फिर तो पानी में लाश फेंक दी होगी सर, और अब तक तो मच्छी वगैरह खा भी गए होंगे। फिर भी सचिन, दूर दूर तक नजर दौड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, है ना। चलो काम पे लग जाते हैं। सचिन, कुछ नहीं सर। हाँ सचिन, लाश इसे पलटा था। इस सर कहीं ये वही लाश तो नहीं? सचिन ये वही लाश है, इसे रिसोर्ट में मार डाला और यहां ला करके जला दिया और फिर गाड़ी को अच्छी तरह से धुलवाकर रिसोर्ट में जाकर के खड़ी कर दी। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर। ये क्या है? ये तो कोई लोहे का टुकड़ा दिखता है पिघला हुआ। लेकिन सर क्या हो सकता है ये? सचिन, अगर यहां पर है तो ये जरूर कोई ना कोई सबूत तो है ही है, कोई ना कोई सबूत तो है। दया, चेहरा तो इसका बुरी तरह से जल गया था लेकिन खोपड़ी सही सलामत रही, इसलिए मैंने इसकी खोपड़ी के चारों तरफ से ही एक्सरे लिए और बाकी का काम ये हमारे बेचारे कंप्यूटर भाई साहब ने कर दिया। इन्होंने बता दिया कि यह आदमी दिखता कैसा था। ये देखो, चलो अब तो माया के परिवार वालों में से कोई तो इसे पहचान ही लेगा। और नहीं पहचाना तो? अब नहीं पहचाना तो अब, सर मुझे तो लगा था कि केस खत्म हो गया। गड़बड़ हो सकती है फ्रेडी, अगर परिवार का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है और उसे पता चल गया कि हमें लाश मिल गई है तो कहीं इस माया की जान खतरे में ना पड़ जाए। मगर सर इस आदमी के बारे में पूछताछ तो करनी पड़ेगी, ये है कौन और उसने ऋत्विक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे थे। देखो भाई, मैं आप लोगों को इतना तो बता सकता हूँ कि इस आदमी की उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी। कुछ और पता चला डॉक्टर साहब? हाँ दया, इस आदमी की कलाई की रिस्ट की हड्डी टूटी हुई थी, ये देखो, और इसने प्लास्टर लगाया हुआ है। प्लास्टर लगा हुआ है मतलब हड्डी अभी अभी हाल ही में टूटी होगी। बिल्कुल, तो किसी हॉस्पिटल में जाके उसने प्लास्टर लगवाया होगा।
इस हॉस्पिटल को हम लोग ढूंढ सकते हैं। सर, इस आदमी के खोपड़ी में से जो गोली मिली थी वो इस गन से नहीं चली, और जो पिघला हुआ लोहे का सामान मिला था वो एक्चुअली एक गन थी। अच्छा, तो जो तीन गोली चली उस कमरे में वो इस गन से चली थी जो माया के पास थी, जिसपे साइलेंसर लगा हुआ था, इसीलिए उसे गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं थी। और जिस गन से खून हुआ है उसे पिघला दिया गया, जिसकी आवाज माया ने सुनी। मगर गन को पिघलाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल फ्रेडी, गन को मेल्ट करना वाकई आसान नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 1530 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तभी जाकर के गन का लोहा पिघल सकता है। और दया, ये काम कोई लोहार या कोई वेल्डर ही कर सकता है। सर, एक वेल्डर रिसोर्ट में ग्रिल का काम कर रहा था, हो सकता है काम भी उसी ने किया। हाँ निखिल, गुड, उसे पक्का मालूम है। ठीक है, क्या हुआ सर? अनुष्का ने जो ड्रेस पहन रखी थी ठीक वैसी ड्रेस किसी आदमी ने बनवाई है। पहले इस वेल्डर को पकड़ते हैं, उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। जी सर, तुम जाओ। ठीक है। अरे सर, आप, खूनी का पता चला? नहीं, अब तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। साहब, खूनी जरूर पकड़ा जाना चाहिए। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा वेल्डिंग का रॉड है ना, इसमें से कितना टेम्परेचर बाहर निकलता है? पता नहीं साहब, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, एक गन का हलवा बनाना है। गन? हाँ। कैसी गन? मैं किसी गन के बारे में नहीं जानता। सचिन, जरा बता दो गन। हाँ, ये बताओ कि जिस रात खून हुआ उस रात तुमने किसी की गन मेल्ट की थी? हाँ, की थी। किसकी गन थी वो? मालूम नहीं साहब। सर, इससे पहले कि कोई आ जाए इसको अपना कमाल दिखा दो। ठीक कह रही हो काजल। तो ये क्या कर रहे हो साहब आप? अरे साहब, गोली चल जाएगी साहब, गोली चल जाएगी। सर, गोली मत चलाना सर। ये क्या कर रहे हो साहब आप? ये मर जाएगा उस आदमी की तरह। साहब, गोली चल जाएगी साहब। मर गया, मर गया, मार डाला, मार डाला, मर गया। पता चला गोली कैसे चलती है? बिना गोली चले कैसे दर्द हुआ? सोचो उसे कितना हुआ होगा दर्द जिस पर ये गोली चली थी। बर्थडे पार्टी में आई थी वो साहब, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, जवान थी साहब। कौन हो सकती है वो औरत, कौन हो सकती है? साहब, पार्टी के बाद एक आदमी ने उसको आवाज लगाई थी और पूछ रहा था कि माया को तुमने अकेला क्यों छोड़ दिया। तुम पहचान लोगे उसे? हाँ साहब। आप लोग यहाँ मेरे घर में? क्यों, हमारा यहाँ आना मना है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अचानक ऐसे आ गए। खैर, कुछ पता चला उस रात किसका खून हुआ था और किसने किया? घबराइए नहीं अनुष्का जी, हमें यह तो पता चली गया है कि आपके जैसी ड्रेस कौन लेके आया। कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? आप बस उसका नाम बताइए। रिलैक्स, पता चल जाएगा। वो यही रहता है इसी घर में। मेरे घर में? हाँ, और उसकी हिम्मत तो देखिए, यही इस घर में रहता है और वो माया को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और आपको पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है सर? जानती हो इसे? ज्ञान? हाँ, ज्ञान जी। हाँ, ये मेरे पति हैं। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, क्यों? अनुष्का जी, उस रात होटल में नीका खून हुआ था,
ये बात आपको पता कैसे नहीं कि उस रात को उस बर्थडे पार्टी में आपके पति भी? ये कैसे हो सकता है? ज्ञान तो यहाँ था ही नहीं, वो तो एक हफ्ते पहले ही यूएस गया था। पर वो यूएस गया ही नहीं क्योंकि वो भी इस प्लान में मिला हुआ था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि इस सब में वो खुद मारा जाएगा। ज्ञान के दोस्तों का एड्रेस या टेलीफोन नंबर मालूम है आपको? तो प्लीज बताइए। जी सर, मैं आपको ज्ञान के खूनी को ढूंढने में जरूर मदद करूंगी। सर, देखने में बहुत शरीफ लग रही थी, कोई कह नहीं सकता कि वो ऐसा काम कर सकती है। हाँ निखिल, कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। अगर वेल्डर हमें नहीं बताता कि वो लड़की रिया ही थी जो उसके पास गन लेकर गई थी, तो हमें पता भी नहीं चलता उसके बारे में। ये रिया किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके अलग अलग दवाइयां लिखवा कर लाती थी। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन रखे हुए यहाँ पे, बहुत हेर फेर है इन दवाइयों का। फिर हो सकता है माया को पागल बनाने के लिए किया जा रहा हो। मगर रिया नर्स होकर ऐसा कर क्यों रही है? जरूर कोई ना कोई है जो रिया से सब करवा रहा है। सर, आने के? ये देखिए। दवाइयों में नाम नहीं लिखा है। सर, इंजेक्शन बहुत सारे हैं सर, हो सकता है दवाइयां नकली हो। ये नर्स लोगों को बचाने का काम कम करती है, लोगों को मारने का काम ज्यादा। आशा जी, इस रिया का मोबाइल के बारे में पता चला? उसकी लोकेशन क्या है? नहीं, नहीं पता चला। अच्छा, मालूम हुआ कि वो ज्यादा किससे बात करती थी? हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? ज्ञान। ठीक है, इस ज्ञान का एड्रेस निकालो। निखिल सर, ये सारी दवाइयां उठा लो। ओके सर। ये दवाइयां हमारे लिए सबूत का काम करेंगे। सच बोल रहे हो? वाकई मालूम नहीं तुम्हें ज्ञान क्यों रुका था होटल के कमरे में? नहीं सर, नहीं मालूम। ज्ञान ने तो कहा था कि वो कहीं 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा है अपनी पत्नी अनुष्का के साथ, कहीं इंडिया से बाहर। ये ज्ञान तुम्हारा दोस्त था ना? नहीं सर। सर, जिस ट्राइस्टार होटल में ज्ञान ठहरा हुआ था उसका मैनेजर आ रहा है सर। गुड, तो उसने अपने सारे प्लान दबा के रखे हुए थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। मैनेजर, ट्राइस्टार होटल? हाँ सर, मेरा नाम कंसाकिया है, मैं ही होटल ट्राइस्टार का मैनेजर हूँ। बस तो जल्दी से ज्ञान के बारे में क्या जानते हो बताओ। ये देखिए सर, ये उस टैक्सी का बिल है जिस टैक्सी में होटल का ड्राइवर ज्ञान को ले जाता था। सुरती नगर कहाँ? तुमने ड्राइवर से पूछा नहीं कि ज्ञान वहाँ पे क्या करने जाता था? पूछा था सर, पर उसे कुछ नहीं मालूम। उसे वो जगह तो मालूम होगी ना जहाँ पे वो ज्ञान को छोड़ता था? हाँ, ये उसे जरूर पता होगा। बस तो वहीं पे पता चलेगा कि ये सारा मामला है क्या। ये फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, फिर ज्ञान यहाँ क्या कर रहा था? अरे, आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए? हम लोग सीआईडी से कुछ पूछताछ करने आए। पर मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है। वैसे आप हैं कौन? हर्षवर्धन, इस फैक्ट्री का मालिक। हर्षवर्धन जी, जरा ये देखिए, आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो ज्ञान है, इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया। खून? किसने किया सर? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे आप ज्ञान को कैसे जानते हैं? सर, ये मेरी भतीजी माया का पति था। माया का पति? आप होश में है ना? माया का पति कोई और है, वो जिंदा है। देखिए साहब, आपको कुछ धोखा हुआ है, माया का पति यही है। और आज ये मेरे पास आने वाला था जायदाद के पेपर्स लेने। किस जायदाद के पेपर्स? वही जो माया की है। ये सब जायदाद का चक्कर है। हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आनो, तुम माया के पति हो?
तो फिर ज्ञान कौन है? ज्ञान? कौन ज्ञान? माया का पति। अरे माया का पति मैं हूं, मैं। और आप कैसे अंकल हैं? मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा ही नहीं। बंद करो तुम लोग ये नाटक। क्या है सर? ये सब जायदाद पाने का चक्कर है, धन के पीछे पड़े सब लोग। माया को जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा है ताकि कोई उसका पति बनकर उसकी जायदाद लूट सके। खुद ही देख लो। तो माया की वजह ये सारा झंझट इसी वजह से हो रहा है, इसी वसीयत की वजह से हुआ ये सब। क्या लिखा है इसमें? लेकिन सर माया ने मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। मुझे भी मेरे वकील ने ही बताया सर। और अचानक एक दिन ज्ञान कहीं से आया और कहने लगा कि माया की तबीयत बहुत खराब है और मैं ही उसका पति हूं। और कोई है माया के परिवार में? माया और उसकी चचेरी बहन मीनाक्षी के अलावा और कोई नहीं है परिवार में। और मीनाक्षी की कई साल पहले पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। मैं भी उसका दूर का चाचा हूं। तो इस वसीयत से फायदा किसको होने वाला था? और किसे सर? माया को। मीनाक्षी तो मर चुकी है। मीनाक्षी की लाश मिली थी? वो मुझे नहीं पता सर। और हो सकता है मीनाक्षी अभी भी जिंदा हो और ये सब उसी ने किया है जायदाद के लिए। मगर सर कोई ना कोई तो बीच में होगा ही जो माया को भी जानता होगा और मीनाक्षी को भी। हाँ कोई ना कोई तो जरूर है दया, जिसने ये सब चक्कर चलाया है। सर अब इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, यही बताएंगे हमें। मगर हमें क्यों सर? सर हमने क्या किया? ज्ञान का खून और माया को ड्रग्स देकर पागल बनाया तुम लोगों ने। किसके कहने पर किया ये सब? वकील साहब, आदमी को अगर पैसे सपने में भी दिख जाए ना तो उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। लालचियों ने मेरी भतीजी माया को पागल बना दिया। मगर इस बात की सजा तो उन्हें मिल चुकी है ना? सजा तो मिल चुकी है वकील साहब, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि माया ठीक हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं सर, इतनी आसानी से नहीं। अब तो वकील साहब, अब यही एक बंद पड़ी हुई आखिरी फैक्ट्री मेरी जायदाद में बची है, इसे भी बेचकर मैं सारा पैसा ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। यू आर राइट सर, अब आपका कोई और रिश्तेदार भी तो है नहीं जो इस जायदाद का वारिस बन सके। है, है, है। मैं हूँ वारिस। कौन हो तुम? मैं मीनाक्षी हूँ, माया की बहन, जिसे आप लोग मरा हुआ समझ रहे थे। मीनाक्षी? मीनाक्षी तुम यहाँ कैसे? तुम तो कई साल पहले डूब के मर गई थी। चाचा जी ये मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अब तक सामने क्यों नहीं आई? मेरी बात का लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इस बात का डर था। हाँ तुम्हारा डर सही था भी, हम भी तो यही पूछने वाले हैं कि इतने दिनों से कहाँ छुपी थी तुम और क्यों? सीआईडी। हाँ सीआईडी। तुम्हें लगा कि ऋतिक और अर्णव ये तो पकड़े जा चुके हैं, केस खत्म, अब तुम खुल के सबके सामने आ सकती हो। यहाँ आने का रास्ता भी हमने ही खोला है। अनुष्का जी, I'm sorry, मीनाक्षी जी है ना? ताकि यहाँ खुद आकर तुम कहो कि सारी जायदाद की वारिस मैं ही हूं। सीआईडी से तेज तुम नहीं भाग सकती अनुष्का, और इस गन से निकली हुई गोली से तेज तो तुम भाग ही नहीं सकती। गोली कितने स्पीड से निकलती है मालूम है तुम्हें? एक सेकंड में 900 किलोमीटर। जब स्पीड ही नहीं मालूम तो भागी क्यों? मैं किसी भी हालत में जायदाद खोना नहीं चाहती थी। जायदाद की याद से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तुम्हारा पति ज्ञान भी मिला हुआ था इसमें? नहीं सर, वो तो बस मेरा नाम का पति था, था तो मेरा गुलाम। सुना, अपने पति को गुलाम कह रही,
एक जमाना था जब औरतें अपने पति को भगवान मानती थी सर, और ये तुमने अपने पति ज्ञान को ऋत्विक के कपड़े पहना दिए और फिर उस पर गोली चला दी। उस बेचारे को पता भी नहीं चला होगा कि मौत कब आ गई। आधी जायदाद तो तुम्हें वैसे ही मिल जाती, तो फिर उस बेचारी माया को पागल बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे पूरी जायदाद चाहिए थी। आधी जायदाद भी तो करोड़ों रुपयों की है। बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए थे, मुझसे सब कोई नफरत करता था, सब माया को ही प्यार करते थे, और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर रोती थी सर। तो तुमने माया को पागल बना दिया, ऊपर से अपने पति का भी खून कर दिया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे बेटर हो सकते हैं। बराबर, उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलेगा। सुनो, तब तक तुम लोग दूसरे स्टैंड की तैयारी करो। अरे जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी आ जाओ,
मेरे भगवान, यहाँ कैसे लगे? पता नहीं, हम लोग अंदर से बाहर आए, आके देखे कि एयरपोर्ट जल रहा है। हॉस्पिटल चलते हैं। अब कोई फायदा नहीं है, अब तो पूरी तरह जल चुका है ये। लेकिन है कौन सर? पता नहीं, शक्ल पहचानने में नहीं आ रही है। अब क्या होगा सर? होगा क्या, अब सीआईडी को जाना पड़ेगा। आइए सर, मैं इस ऑडिटर रूम में मैनेजर, मैंने आप लोगों को फोन किया था। अभिजीत, इतनी बुरी तरह से जल गया कि शक्ल भी पहचानने नहीं आ रही है। क्या ये आदमी तुम्हारे सामने ही जल रहा था? नहीं सर, जिस वक्त आग लगी उस वक्त मैं अपने केबिन में बैठा था। अचानक लोगों का शोर शराबा सुनकर मैं बाहर देखने चला आया, तब पता चला कि किसी ने इसे आग लगा दी है। इसे आग लगा दी है जानबूझकर? ये तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने इसे जलाया? अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किसने देखा इस आदमी को जलते हुए पहले? साहब मैंने सबको अंदर से बाहर बुलाया। अरे तो इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना, शायद ये आदमी बच जाता। कोशिश की थी साहब, देखिए मेरा हाथ भी जल गया, पर जब मैं अकेला आग नहीं रोक पाया तो मदद के लिए अंदर दौड़ा। अच्छा जब तुम सब लोग दौड़कर बाहर आए तब इस आदमी की हालत कैसी थी? क्या तड़प रहा था, चिल्ला रहा था बचाने के लिए? नहीं सर, हम लोगों ने इस आदमी को सिर्फ जलते हुए देखा है। आप लोग जानते हैं ये आदमी है कौन? नहीं सर, बताना बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं जानता। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आग लगी कैसे? लगी कैसे ये आग? अगर एक्सीडेंट से आग लगती तो आसपास भी आग लगनी चाहिए थी। क्यों? लेकिन यहां पर ऐसे कुछ भी नहीं है। क्या किसी ने इस आदमी की जान लेने के लिए जानबूझकर तो आग नहीं लगाई इसे? नहीं सर, ऐसा घिनौना काम यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये घिनौना काम हुआ तो है ना, और ये किसी अंदर वाले का ही काम है, कोई बाहर से आके यहाँ पे आग नहीं लगाएगा। क्यों? ये वॉचमैन क्या कर रहा था? तुम कहाँ थे जब आग लगी? कहाँ थे तुम? वो मेरी आँख लग गई थी। आँख लग गई थी? ड्यूटी पे सोता है? क्या करूँ सर, दूसरी वाली बिल्डिंग में नाइट का शिफ्ट करता, इसलिए कभी कभी दिन में आंख लग जाती है। कमाल है, मैनेजर अपने कैबिन में बैठा था, ये वॉचमैन सो रहा था। ये आग लगी कैसे, किसको लगी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वाह। अच्छा तुम सब लोग कहाँ थे जब इस आदमी को आग लगी? सर वो मैं इन सबको कराटे की प्रैक्टिस करवा रहा था, जब इसने हमें मदद के लिए बुलाया हम सब फौरन बाहर आ गए। ये सारे लोग यहीं पे हैं या कोई गायब भी है? सर समीर या नहीं? समीर? ये समीर कौन है? तो सर समीर अभी अभी हमारी टीम में शामिल हुआ है, और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त उसकी एक आदमी से अंदर हाथापाई चल रही थी। हाथापाई? जी सर। कौन है वो आदमी? सर इससे पहले हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है। अरे एक अनजान आदमी बाहर से आके समीर के साथ अंदर ऑडिटोरियम में हाथापाई कर रहा है, और आप लोग को मालूम नहीं कौन है वो? चलो ऑडिटोरियम चलो। समीर, 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 ये रहा समीर। ये रुक गया। समीर, सही तो मर चुका है। मर गया? मर गया? सचिन काम करो, तुम और काजल देखो आसपास अच्छी तरह से, देखो कहीं छुप कर बैठा है क्या। चल
अभिजीत, मामिया की झगड़ा हुआ था, लेकिन इसकी मौत हुई कैसे होगी? शरीर पर तो कहीं भी कोई गहरा जख्म दिख नहीं रहा। सर, हो सकता है किसी नाजुक जगह पे चोट लग गई हो, ब्रेन हैमरेज हो गया हो या फिर हार्ट अटैक आ गया हो। सर, जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। नहीं सर, कहीं भी कोई नहीं है। लगता है आग का फायदा उठा लिया, समीर को मारकर भाग गया यहाँ से। सर, हो सकता है आग उसी ने लगाई, जब लोग बाहर थे उसी समय उसने समीर का काम तमाम कर दिया। एक बात बताइए, आप लोगों ने उस आदमी को अच्छी तरीके से देखा है? उसका स्केच बनवा सकते हैं? जी, वेरी गुड, स्केच बनवा लो उस आदमी का। अभिजीत, काम करो, दोनों भी लाशें फॉरेंसिक लैब में भेज दो, पता चलेगा मौत की वजह क्या थी। अरे, लैब खाली, डॉक्टर सालुंखे कहां गए? सालुंखे साहब, डॉक्टर सालुंखे। तारिका जी भी नहीं दिख रही हैं। तारिका जी, अब तारिका जी, कहीं सालुंखे साहब और डॉक्टर तारिका डिनर के लिए तो नहीं है साथ में? नहीं नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, तारिका जी हर अरे घरे के साथ डिनर पे नहीं जाती है। अभिजीत, इधर आओ जरा। ये तो इधर ही है। कम यार, कम यार। यस डॉक्टर साहब, यस। क्या मतलब था आपका कहने का मिस्टर अभिजीत? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं और डॉक्टर तारिका एक साथ डिनर पर नहीं जा सकते? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि काम के टाइम पे डिनर की क्या बात हो सकती है आप? काम के टाइम पे? एक मिनट बॉस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं और डॉक्टर तारिका हर रोज साथ में खाना खाते। वो सब रहने दीजिए, आप ये बताइए कि ये उबाल कर रहे हैं आप? खोपड़ी। किसकी? उस मुर्दे की, ताकि खोपड़ी पर से बचा खुचा मांस भी साफ हो जाए और हम इस खोपड़ी के जरिए मौत की वजह ढूंढ सके। मौत की वजह? मौत की वजह साफ है, मौत जलने की वजह से हुई है, 15-20 लोगों के सामने हुई। जी नहीं, आपको गलत फहमी है, आइए आप मेरे साथ। अभिजीत साहब, इस आदमी की मौत 3 दिन पहले हुई और आज जो इसे जलाया गया था वो तो इसकी लाश थी। बड़ी अजीब बात है, खूनी को अगर लाश जलानी थी तो किसी सुनसान जगह पे जला देता, ऑडिटोरियम में सबके सामने क्यों? हाँ, और ये लाश 3 दिन से थी कहाँ पे? अभिजीत, वो बाद में सोचेंगे, पहले देखते हैं कि खोपड़ी हमें क्या कहानी सुनाती है। आओ जरा। ओहो, ये देखो बॉस, ये इसके सर पे वार किया गया है, कैसे पिचक गया? किसी भारी चीज से वार किया गया सर पे। और ये नहीं बॉस, ये इसका चेहरा देखो, ये देखो, लगता है 2-3 बार वार किया है इसके चेहरे पर भी। उन्हीं को शायद डर हो गया कि कोई इस लाश को पहचान न ले, इसलिए उसने इस आदमी का चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया। खराब कर दिया तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साळुंखे किस मर्ज की दवा है, ये बना देंगे दोबारा चेहरा, क्यों डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, इस आदमी का चेहरा तो बुरी तरह से कुचल गया, चेहरे की हड्डियां भी टूट गई है। मैं तो क्या, कोई भी एक्सपर्ट इस आदमी का चेहरा तो नहीं बना सकता। ये लो, हम इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, ये बताएंगे इस आदमी की आइडेंटिटी, इन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तारिका जी होती ना, इस आदमी की आइडेंटिटी तक तुम्हें ये एक्सरे दी जाएंगे। अरे वाह, देखा, डॉक्टर हो तो तारिका जी जैसे, कैसे फटाफट सबूत ढूंढ निकाला। हाँ तो तारिका जी, कैसे, क्या बताते हैं ये एक्सरे? इन एक्सरे के मुताबिक इस आदमी की हड्डियां 3 बार टूट चुकी है।
तीन बार हड्डियां टूट चुकी थी, एक बार कलाई की, एक बार एड़ी की और एक बार घुटने की। कमाल है, ऐसा क्या करता था ये आदमी जो तीन बार फ्रैक्चर हुआ? ये तो आप लोग पता लगाइए। नहीं, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अब इस समीर की मौत पे भी कुछ रोशनी डाल दीजिए सारुंखे साहब। मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो खड़ी है ना डॉक्टर तारिका, इंटेलिजेंट डॉक्टर तारिका, तो पूछो ना, डॉक्टर तारिका से पूछ लो, इंटेलिजेंट। अरे डॉक्टर साहब, आप जरा जरा सी बात पे भड़क जाते हैं। अब अभिजीत का वो मतलब नहीं था। वो मतलब नहीं था? What do you mean by वो मतलब नहीं था? अच्छा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, जरा पूछो उससे। हाइपर कार्डियो नहीं, क्या क्या कहा आपने? हो गया ना भाई साहब, मेडिकल की बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा करके देखोगे ना, नहीं मिलेगा। एक काम करो ना, वो खड़ी है ना डॉक्टर तारिका, उनसे पूछो, वो बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हाँ। तारिका जी, आप बता ही दीजिए डॉक्टर साहब को, इन्हें पता चल जाए कि आप कितनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। क्या हो गया ना, हो गया। आइए, हम जरा काम की बातें कर लें, आइए। आपको इतना सब नहीं पता? बस इस आदमी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी थी। ऐसी बीमारी में आदमी का दिल आम इंसान के दिल से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, और जब किसी ने इसके सीने पर मुक्का मारा, इस बेचारे के दिल की धड़कनें बंद हो गई और ये हार्ट अटैक से मर गया। मतलब किसी इंसान का दिल अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा है और उसके सीने पर चोट लग जाए तो वो मर जाएगा? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसा इस बेचारे के साथ हो गया। जिस आदमी के साथ समीर की लड़ाई हुई, उसे शायद पहले से मालूम होगा समीर के इस हालत के बारे में, तभी उसने ठीक दिल पे मुक्का मारा। ऑडिटोरियम चल के ही पता करते हैं, है कौन वो आदमी जिसने समीर के दिल पे मुक्का मारा। उन कराटे के खिलाड़ियों ने उस आदमी का स्केच बनवाया है जिसके साथ समीर का झगड़ा हुआ था। सर देखो, इसे पहचानते हैं आप लोग? क्या हुआ है, मुंह पे ताले क्यों लगे? मुजरिम को बचाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। अगर जानते हो तो चुपचाप बता दो। ये केशु है। केशु? कौन है ये केशु? इस ऑडिटोरियम में साफ सफाई किया करता था। करता था मतलब? पिछले हफ्ते मैनेजमेंट ने से नौकरी से बाहर निकाल दिया। नौकरी से बाहर निकाल दिया, क्यों? समीर ने इसकी शिकायत करती थी। कैसी शिकायत? उसने केशव का चोरी का इल्जाम लगाया था। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। केशव समीर पर बहुत भड़का हुआ था, जाने से पहले उसने समीर को धमकी दी थी कि उसे जान से मार देगा, और उसने धमकी को पूरा भी कर दिया। ये केशव रहता कहाँ है? जी, अंबावाड़ी में। अंबावाड़ी? सर ये इलाका मैंने अच्छी तरह से देख लिया सर, यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची है सर, और उसके ऊपर कांच लगे हुए हैं। इतनी ऊंची दीवारों से लाश को अंदर लाना नामुमकिन है सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन, ये लाश पिछले तीन दिनों से ऑडिटोरियम में ही थी। सर ये जिस किसी का भी काम है, ये कोई अंदर वाला है, क्योंकि बाहर वाले को कैसे पता होगा कि ऑडिटोरियम में लाश छिपानी कहाँ है। कोई कोई ऐसा आदमी जो इस ऑडिटोरियम और आसपास के एरिया का चप्पा चप्पा जानता है। पिछले तीन दिनों से लाश को छुपा के अगर रखा है तो कहाँ और कैसे? किसी को तो पता चलना चाहिए था, बदबू आनी चाहिए थी। तो शायद किसी ऐसी जगह पर छुपा के रखा हो जहां से बदबू बाहर ही ना आए। हाँ, हो सकता है। एक बात बताओ, इस ऑडिटोरियम में या उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं है? एक पुराना गोडाउन है साहब, वहां तो कोई आता जाता नहीं। पुराना गोडाउन? क्या हुआ, क्या बात? सब 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 मेरा पति साहब, साहब हमारी मदद कर रहे हैं साहब, वो अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं साहब। दरवाजा नहीं खोल रहा, क्यों, क्या बात? पता नहीं साहब, बहुत परेशान था वो, अपने आप को कहीं मार ना ले साहब, साहब हमारी मदद कर रहे साहब, करे साहब। केशु, केशु दरवाजे को। केशु? तुम्हारे पति का नाम केशु है क्या? साहब बता लो साहब। एक मिनट, आप इधर आइए, इधर आइए। Ah!
केशव, क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, अपने बच्चे के बारे में। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हमारा क्या? मैं जीना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। अरे हमारे बारे में तो सोचा होता ना। एक मिनट, आप प्लीज बाहर जाइए, बच्चे को लेकर जाइए, हम इनसे कुछ बात करनी है। प्लीज जाइए। हाथी पे चढ़ने का बहुत शौक है, हैं? तेरा ये शौक कानून पूरा करेगा, समझा? कानून? हाँ कानून। समीर का खून किया ना तूने? समीर मर गया क्या? अच्छा, अब भोला बन रहा है? पहले समीर का खून किया, पूछता है समीर मर गया क्या? मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो बस उसके साथ हाथापाई करने गया था। क्यों? झगड़ा क्यों करने गया था समीर के साथ? तो चोर कहा था उसने मुझे, चोर नहीं हूं मैं, उसकी वजह से मेरी नौकरी गई थी। आज 3 दिन से मेरे बीवी बच्चा कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं मरना चाहता हूं, अपने बच्चों की हालत नहीं देखना चाहता। खुद को फांसी लगा के एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे रहेंगे वो लोग? चाहे तुमने ये सब जानबूझ के किया है या नहीं, सच्चाई तो यही है, तुम्हारे मुक्के की वजह से समीर की मौत हुई, कानून की नजर में तुम्हें खूनी हो। अब रोने से क्या फायदा है? ना तो तुम चोरी करते, ना ये दिन देखना पड़ता। मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं किया। फिर समीर ने तुम पे चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? तो उससे मैं पूछने गया था कि उसने मेरे पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और पूछते पूछते खून कर दिया। तुम चलो हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने खून नहीं किया साहब, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा साहब? तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल हम रखेंगे, और तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। चल उठ। ये रहा साहब पुराना गोदाम। इतनी बदबू, इसका मतलब है लाश लाश को यहीं पर कहीं छुपा के रखा था, इसी जगह में। सचिन, काजल, जगह का कोना कोना छान मारो, देखो अच्छी तरह से कुछ मिलता है क्या। सचिन कहाँ हो? हाँ सर, सीधे जाके लिफ्ट। हाँ सीधे देखिए, इसमें सूखा हुआ खून लगा हुआ है। प्लास्टिक का शीट और सूखा हुआ खून, इसका मतलब है लाश को इस प्लास्टिक के शीट में लपेट कर रखा था। आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसे चीनी की जगह यूज किया जाता है। नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट्स यूज करते हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो मरने वाले को डायबिटीज थी, या फिर खूनी को डायबिटीज है। सर एक बात समझ में नहीं आई, खूनी ने जब लाश जलाई तो वो गोडाउन से लेकर आया होगा, और गोडाउन से लाश लाते वक्त उसे यहाँ इस फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से गुजरना पड़ा होगा, यहाँ से फिर वो मेन एंट्रेंस से बाहर निकला और यहाँ पे उसने लाश जलाई। तो इस पूरे रास्ते पे उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो, किसी ने देखा कैसे नहीं? ये कराटे वाले बच्चे ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, वॉचमैन सो रहा था,
और मैनेजर कैबिन में बैठा था। बस खूनी ने मौके का अच्छा फायदा उठाया, लाश को जलाया और गायब हो गया। सर, जिस वक्त ये सब हो रहा था तब केशव ऑडिटोरियम में चोरी छुपे घुस रहा था, तो हो सकता है उसने किसी को देखा हो कॉरिडोर से लाश ले जाते हुए। हो सकता है, जरा इस केशव को बुलाना। सर, कोई ना कोई तो है, ये ऑडिटोरियम वाले या फिर स्टंट ग्रुप में से कोई, जो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर, केशव इधर आओ। जी। ये ऑडिटोरियम का ड्राइंग है, उस दिन तुम अंदर कहां से घुसे थे और कैसे घुसे थे, बताओ जरा। यहाँ इधर से, ये मेन गेट से मैं जंप करके इधर आया, यहाँ से दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, फिर यहाँ कॉरिडोर से होता हुआ ऑडिटोरियम में गया। जब तुम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो क्या तुमने किसी को देखा लाश को ले जाते हुए? हाँ, लाश नहीं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो, और किसी को देखा वहां पर? दो आदमियों को देखा था मैंने। दो आदमियों? हाँ। कौन थे वो? नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं पहचान सका, वो लोग मेरी तरफ पीट करके खड़े थे। अच्छा, कहाँ पे? ये कॉरिडोर है ना, यहाँ खड़े थे, मैं तो छुपते छुपाते आया था। अच्छा, वो लोग मेरी तरफ पीट करके खड़े थे। सो हो सकता है केशु को देखकर उन लोगों ने लाश छुपा दी और पीट करके खड़े हो गए। सचिव, काम करो, ऑडिटोरियम में फिर से जाओ और अच्छी तरह से पता लगाओ, देखो इन दो आदमियों के बारे में कुछ पता चलता है क्या। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने हमें ऐसे अर्जेंटली बुला लिया जैसे आपको खूनी का पता चल गया। बिल्कुल दया, मुझे पता चल गया है इस जले हुए आदमी को किसने मारा। अरे तो फिर फटाफट उसका नाम बताइए ना, जाके गिरफ्तार कर लेते हैं उसे। नहीं नहीं अभिजीत, उसे गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यही है हमारे बीच। कैसी बातें करे डॉक्टर साहब, यहाँ तो हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। है ना, और कोई भी है? ये समीर बॉस, इस समीर ने मारा है इसे। ये देखो, ये जो स्वीटनर की बोतल तुम लोगों को मिली है गोदाम में से, बॉस इसी किस्म का स्वीटनर मुझे इस समीर के पेट में से मिला है। हो सकता है कि समीर जब इस लाश को गोदाम में रख रहा था, ये स्वीटनर की बोतल इसकी जेब में से गिर गई। हो सकता है डॉक्टर साहब किसी और ने ये स्वीटनर वहां रख दिया सिर्फ समीर को फंसाने के लिए। हाँ, सभी लोगों को मालूम होगा कि समीर ऐसा स्वीटनर इस्तेमाल करता था, पर ऐसा स्वीटनर तो कहीं भी मिल सकता है दुकान में। मिल सकता है अभिजीत, ऐसा स्वीटनर तो मिल सकता है, मगर ये जो प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक में इस लाश को लपेट करके रखा गया था जलाने से पहले, इस प्लास्टिक पे मुझे इस समीर की उंगलियों के निशान मिले। डॉक्टर साहब, जब इस आदमी की लाश जलाई जा रही थी तब ये समीर ऑडिटोरियम के अंदर था, केशु के साथ लड़ रहा था, तो फिर इसकी लाश किसने जलाई? हो सकता है इस खून में समीर के साथ उसका कोई पार्टनर मिला हुआ। हाँ, ये हो सकता है। चलो, अभी तक का केस सॉल्व हो गया है, इस आदमी को समीर ने मारा और समीर को केशु ने मारा, अब सिर्फ हमें ये पता लगाना कि समीर का वो पार्टनर कौन है जिसने इस आदमी को जलाया है। एक मिनट अभिजीत, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। बस समीर की मौत का कारण केशु नहीं है, इसकी मौत का कारण कोई दूसरा आदमी। क्या मतलब? समीर की मौत केशु के मुक्के की वजह से हुई है। मानता हूं दया, केशु का मुक्का एक वजह है, मगर इस समीर की मौत का असली कारण वो आदमी है जिसकी वजह से इस समीर का दिल इतना बड़ा हो गया कि एक मामूली सी लड़ाई में भी बेचारा मारा गया। तो फिर वो आदमी कौन है जिसकी वजह से इस समीर को दिल की बीमारी हुई? बस वो आदमी ऐसा है जिसने इस समीर के स्वीटनर में एक खास किस्म का ड्रग मिलाया है। स्वीटनर में ड्रग? हाँ दया, हमें इस समीर के स्वीटनर में एक खास किस्म का ड्रग मिला है, रे ऑल सॉप नाम का, जिसकी वजह से इसके दिल का साइज इतना बड़ा हो गया कि एक मामूली से झगड़े में भी ये बेचारा मारा गया। तो ये भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने इसके स्वीटनर में ड्रग्स मिलाई है उसे ये भी मालूम हो कि केशु समीर से लड़ने आने वाला है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उस आदमी को पता होगा इस बात का और इसीलिए उसने इसके स्वीटनर में वो ड्रग मिला दी ताकि केशु आए
एक मामूली सा झगड़ा हो और इसकी मौत हो जाए। ओके, थैंक यू सलूंखे साहब, थैंक यू वेरी मच। कहां पर खड़े थे वो तुम? वो वहां चले। ये यहीं यहीं पे खड़े थे दोनों। वो दोनों यहां पे खड़े थे, पर तुम कहां थे उसमें? हम अभी जहां से अंदर आए ना, वहीं से मैं उनको देख रहा था। तो तुम वहां पे थे और वो लोग यहां खड़े थे, फिर तो तुमने कुछ भी नहीं सुना होगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं सुना। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है कि वो लोग यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे थे? एक आदमी यहाँ खड़ा था और दूसरा आदमी ये यहाँ खड़ा था, दोनों ऐसे खड़े थे। दोनों यहाँ छुप के बाहर की तरफ खड़े थे मतलब? अच्छा एक मिनट हटिए। सर वो देखिए, कुछ बॉक्स जैसा लग रहा है। आने के लिए क्या हो सकता है? देखो सर, इसमें तो जले हुए पेपर्स हैं। जले हुए पेपर्स? ये है समीर का घर। ये से ज्यादा कुछ सामान है नहीं यहां। शायद अकेला रहता था इसलिए। ये देखो पुराना अखबार, मैट्रेस के नीचे छुपा के रखा था, शायद कोई जरूरी बात छपी है इसमें। पड़े पड़े बिल्कुल घिस गया है, क्या हो सकता है? कराटे चैंपियन, ये फोटो में किसी को कराटे का अवार्ड मिल रहा है। ये समीर भी तो कराटे का स्टूडेंट है। ये समीर फोटो बिल्कुल घिस गई है, पता नहीं चल रहा है। जबलपुर टाइम्स से काम करते हैं, इस अखबार के ऑफिस से इस आर्टिकल की एक साफ कॉपी मंगवा लेते हैं, पता चल जाएगा चक्कर क्या है। लगता है ये सारे पेपर्स उन्हीं दोनों ने जलाए जिसे केसू ने वहां पे देखा था। हाँ सर, जरूर इन कागजों में सबूत छुपा होगा, तभी तो जला के राख कर दिया इसे। हाँ निखिल, CID तो राख में से भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो निखिल, इसके ऊपर किसी क्लिनिक का नाम लिखा है, डॉक्टर प्रवीण कुमार राजशिला क्लिनिक जबलपुर। सर कहीं इस लिफाफे में खूनी की मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं थी? हो सकता है निखिल, ये तो हमें जबलपुर जाने के बाद ही पता चलेगा। अभिजीत सर? हाँ सर, हाँ सर, एक जला हुआ लिफाफा मिला है सर, उस पर जबलपुर के किसी क्लिनिक का एड्रेस है सर। हाँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार राजशिला क्लिनिक जबलपुर। हम लोग मुंबई से आए। कमाल है, लोग जबलपुर से इलाज कराने मुंबई जाते हैं और आप मुंबई से जबलपुर आए हैं? ऐसा कभी कभी हो जाता है, CID को कभी कभी मुंबई से आना ही पड़ता है। क्या CID? जी हाँ। आप जरा ये लिफाफा देखिए, ये आपके यहाँ का? हाँ ये है तो हमारे क्लिनिक का, पर ये जला कैसे? पहले आप ये बताइए कि लिफाफे में आप क्या रखते हैं, क्या रख के बेचते हैं आप लोग? क्या हुआ अर्चना, एनी प्रॉब्लम?
सर ये लोग सीआईडी से हैं। हेलो मायसेल्फ डॉक्टर प्रवीण, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब हमें इस लिफाफे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, क्या बता सकते हैं कि आप इस लिफाफे में क्या रख के भेजते हैं? ऐसे टाइप के एनवेलप्स में हम पेशेंट को एक्सरे और एक्सरे की रिपोर्ट देते हैं। अच्छा आप बता सकते हैं ये एक्सरे आपने किसको दिए थे? थोड़ा मुश्किल है बताना। अच्छा इस नंबर से कुछ पता चल सकता है? हाँ ये बता सकते हैं। अर्चना जरा जाके चेक करो 321 नंबर हमने किसे दिया है। जी सर। जल्दी आई जस्ट चेक इट सर। मिल गया सर, देखिए यहाँ पे समीर कुमार लिखा है। समीर का नाम? पर किसी ने समीर के एक्सरेज क्यों जलाए होंगे? एक्सरेज में कुछ खास बात होगी, तभी खूनी ने उन्हें जला दिया है। डॉक्टर साहब जी, इन एक्सरेज के डुप्लीकेट कॉपीज मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये एक्सरे समीर के हैं? जी। चोर, कोई गलती तो नहीं हो रही? गलती कैसी, जबलपुर जाके क्लिनिक के अंदर खुद हमने पता किया है ये एक्सरे समीर के हैं। ओके एक मिनट होल्ड ऑन। बॉस अगर ये एक्सरे समीर के हैं तो फिर ये एक्सरे किसके हैं? ये एक्सरे इस जले हुए आदमी के हैं जो डॉक्टर तारिका ने निकाले थे। बिल्कुल बिल्कुल वही एक्सरे। तो भाई साहब मेहरबानी करके आप जरा ये एक्सरे मैच करके देखिए। ये तो एक ही जैसे। ये जरा ये भी देखो। माय गॉड ये तो ये सारे एक जैसे एक्सरे। एक जैसे नहीं है बॉस, एक ही आदमी के हैं। इस आदमी। क्या इस आदमी के? मतलब क्लिनिक वालों ने बताया कि ये एक्सरे समीर के हैं? तो फिर यही असली समीर होगा। अगर ये असली समीर है तो फिर ये कौन है? नकली समीर? मतलब इस आदमी ने इसको मारा क्योंकि ये इस असली समीर की जगह लेना चाहता था, मगर क्यों किस लिए? अब समझ में आया सर, इस नकली समीर के घर में हमें कोई भी कागज फोटो या आइडेंटिटी वगैरह क्यों नहीं मिली? अब ये उसे डर था उसकी पोल खुल जाने का, इसलिए उसने अपने घर में ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चले। तो हमें अखबार के ऑफिस से फोटो मिली। हो तो ये है असली समीर। ये देखो ट्रॉफी ले रहा है। हाँ सर, जिसे हम समीर समझ रहे थे वो कुणाल है। या, तो ये कुणाल जो है समीर की जगह लेना चाहता था, इसलिए उसने समीर का खून कर दिया और खुद स्टंट ग्रुप का हिस्सा बन गया। हाँ सर, और ऑडिटोरियम में समीर को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए कुणाल को ही असली समीर समझ बैठे। अभिजीत अगर कुणाल ने समीर को मारा है तो फिर कुणाल को किसने मारा? वो कौन है जिसने कुणाल को रियोल सॉप नाम का ड्रग दिया जिसकी वजह से कुणाल का हार्ट बड़ा हो गया? सर ये कुणाल का पार्टनर ही होगा जिसने समीर की लाश जलाई, क्योंकि जब समीर की लाश बाहर जलाई जा रही थी तो कुणाल केशु के साथ अंदर फाइट कर रहा था। तो फिर अभिजीत ये ऑडिटोरियम वालों से ही पूछते हैं कि कुणाल का असली पार्टनर है कौन? एक आदमी इतने दिनों तक नकली समीर बनके यहाँ पे कराटे सीखता रहा और आप लोगों में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला? सर सचमुच हमें पता नहीं था, दरअसल एक टीवी कॉन्टेस्ट जीतने के जरिए वो हमारे ग्रुप में शामिल हुआ था। देखो ये सब बहाने बंद करो, कम से कम उसका आईडी तो देख सकते थे कि असली है कि नकली। हा? सर हमें क्या पता था कि कोई आदमी हमारी टीम में शामिल होने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग कर सकता है। पर प्लानिंग तो की है ना उसने, खून भी किया है बस कुणाल ने। सर क्या कहा आपने? कुणाल? हाँ कुणाल, वो जो यहाँ पे नकली समीर बना हुआ था वो उसका नाम कुणाल है। समीर कुणाल? ये कुणाल का नाम सुन के तुम सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सर दरअसल कुणाल नाम का एक शख्स हमारा बहुत बड़ा पागल फैन था। हाँ सर वो हमेशा हमें फोन किया करता था और कहता था कि वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा हाँ सर फिर? जी
पर जब हमने उसे कहा कि ग्रुप में जगह नहीं है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और हम सबको उसने जान से मारने की धमकी देने लगी। जान से मारने की धमकी? कमाल है सर, एक आदमी कराटे सीखने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगे? खूनी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते सचिन, उनका दिमाग टेढ़ा होता है, खोपड़ी घूम गई तो कुछ भी कर सकते हैं। और इस कुणाल को किसने मारा? आप लोग कुणाल के किसी दोस्त को जानते हैं? नहीं सर। सर इस अखबार के ऑफिस से कुणाल का एड्रेस मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके घर चल के ही पूछते हैं कौन है वो आदमी जो कुणाल का खून कर सकता है। हमें तो यकीन ही नहीं आता कि कुणाल ऐसा कर सकता है, वो किसी का खून कर सकता है। खून तो उसने किया ही है, कराटे सीखने के जुनून में उसने एक मासूम की जान ली है। कराटे सीखने का जुनून तो उसे बचपन से था सर, लेकिन हमें क्या मालूम था कि उम्र के साथ साथ उसका ये जुनून पागलपन बन जाएगा। अब कुणाल तो नहीं रहा, पर उसका खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है। क्या आपको किसी पे शक है कौन मार सकता उसे? देखिए, कुणाल तो अब रहा नहीं है, तो बेहतर होगा अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो खुल के बता दीजिए। कुणाल की एक दोस्त थी मालिनी, वो उसे बहुत प्यार करती थी और कुणाल ने भी उससे शादी का वादा किया था। तो फिर कुणाल ने वादा तोड़ दिया? हाँ, सिर्फ वादा ही नहीं तोड़ा बल्कि रिश्ता ही खत्म कर दिया, बेचारी का दिल तोड़ दिया। क्यों? कुणाल ने ऐसा किया क्यों? उसको लगने लगा मालिनी की वजह से वो कराटे को उतना वक्त नहीं दे पा रहा है जितना कि उसे देना चाहिए। तो कहीं इस मालिनी ने तो नहीं फोन कर दिया कुणाल का? नहीं सर, मालिनी उसकी जान कैसे ले सकती है, कुणाल की वजह से वो पहले ही आत्महत्या कर चुकी है। क्या, मालिनी ने कुणाल के लिए आत्महत्या कर ली थी? कमाल है, जरा जरा सी बात पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अच्छा, आप लोग इस मालिनी के परिवार वालों के बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। क्या बात है सर, खूनी का पता चला क्या जो आपने हम सबको यहाँ पे बुलाया? हाँ, खूनी का पता चल गया, तो सोचा खुद आकर यहाँ सबको बता दे। सर कौन है खूनी? सर सर पहले इन लोगों को वो कहानी सुना देते हैं। कहानी? कैसी कहानी सर? कहानी सुना दे सर? चलो ठीक है, तो फिर सुनिए। ये कहानी है समीर नाम के एक लड़के की, जिसने एक टीवी शो जीता रहा, जिसकी वजह से उसे यहां आकर कराटे सीखने का मौका मिल गया। कुणाल से देखा नहीं गया कि समीर लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा था। जलन के मारे उसके कान से धुआं निकलने लगा। उसने एक प्लान बनाया, उसने प्लान बनाया कि समीर को मार देता हूं और मैं उसकी जगह ले लेता हूं। यहां पे कोई नहीं जानता था कि समीर दिखता कैसा है,
इसलिए सबने कुणाल को ही समीर समझा। और ये सब करने में कुणाल का एक दोस्त भी था जिसने उसकी मदद की। दोस्त, दोस्त, जिस दोस्त ने फिर कुणाल का भी खून कर दिया। लेकिन ये दोस्त है कौन? ये वो आदमी है जिसकी बेटी ने कुणाल की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वो यहां तक पहुंच गया। आत्महत्या? क्या आत्महत्या? आत्महत्या क्यों दिनेश बाबू, सच है ना ये? मैंने जो किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। बेटी की मौत का बदला दूसरे का खून करके नहीं लिया जाता। आपको क्या मालूम खुद की औलाद खोने का गम क्या होता है? ए, इनसे ये मत पूछना कि औलाद खोने का गम क्या होता है। अपने बेटे को अपने हाथ से गोली मारी इन्होंने, और उस वक्त सर के लिए ड्यूटी पहले थी, बेटा बाद में। तुम्हारी तरह नहीं कि बदले की आग में खून करने निकल पड़े। यहाँ के तुमने कुणाल से दोस्ती कर ली? उससे दोस्ती भी कर ली और समीर का खून करने के लिए भी तैयार हो गए। कुणाल समीर से पहले यहाँ आया था। मैं सर समीर, आपसे बात हुई थी। हेलो समीर। हेलो। हाय समीर। सर रिसेंट जो टीवी शो था मैंने वो जीता था, और आपका ग्रुप ज्वाइन करने की मेरी दिली तमन्ना थी। उसका विश्वास जीतने के लिए मैंने यही सफाई कामगार की नौकरी कर ली। जैसे असली समीर यहाँ आया हमने। समीर का सारा सामान जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे, है ना? और कुणाल का खून कैसे किया? उसकी चाय में कुछ मिलाता था ना जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए? हाँ सर, मैंने ही केशु को भड़काया था। वो कुणाल को मारने आया, झगड़े में केशु ने उसके सीने में घूसे मारे और फौरन कुणाल को हार्ट अटैक आ गए। मैं सो रही हूँ साहब। नहीं जाओ, ऐसा करो सोनिया। साहब, साहब, मैं सो रही हूँ साहब। ये ना सब उस समीर की वजह से हुआ है। समीर ने ही तुम्हारी शिकायत करी। समीर ने करी? मैं समीर को जान से मार दूंगा। और फिर मैंने समीर की लाश जलाई और सबको बुलाने भागा ताकि कुणाल मतलब नकली समीर अकेला रह जाए जब उसकी मौत हो। जितना दिमाग तुमने दो दो खून करने में लगाया, अगर उतना ही दिमाग किसी अच्छे काम में लगाते तो आज जेल में नहीं जाना पड़ता। अब 15-20 साल तक जेल में सड़ते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर आएगा ही आएगा।